ये जो पूरा मामला है ये बेसिकली हर सेक्युलर माइंड को, उसका सेफ्टी को एंड इट्स एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन कर रहा है। और जो लोग साइलेंट है आजू बाजू में, जो लोग आवाज उठाना था उनका ये साइलेंस ये बोल रहा है कि इस देश में फियर हैज बिकम अ नेशनल डिजीज। क्योंकि सोच लीजिए एक फिल्म जो है जो कमल हासन सर ने बनाया है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन जो गवर्नमेंट की बॉडी है जो हम उस पर भरोसा करते हैं कि वो डिसाइड करेंगे कि इस समाज पर ऐसी का फॉर्म ऑफ आर्ट, वेदर इट इज पेंटिंग, वेदर इट इज पोएट्री है, लिटरेचर है, इस मामले में फिल्म जो आना पड़ेगा, एंड इज इट गोइंग टू डिस्टर्ब एनीबॉडी। एंड जब वो लोग सर्टिफिकेट दे चुके हैं उसके बाद आप कोर्ट पे जाते हैं एंड यू ब्रिंग इन अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। एंड बार बार कमल हासन सर ने ये बता रहे हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है, फिर भी इसको कम्युनल फिल्म बनाया गया। और जब कोर्ट का एक जज इस फिल्म को देखते हैं और वाद विवाद के बाद जब वो लोग ये जजमेंट देते हैं कि देयर इज नथिंग टू बी ऑन वरीड अबाउट दिस फिल्म, इस फिल्म रिलीज हो सकता है, और आज फिर इसको, एंड कमल हासन सर का स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट वेयर हैज मैन इज हर्ट। एक क्रिएटर है, 50 साल से इस इंडस्ट्री में है, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, हम बोलते हैं वो हमारा देश की शान है, और वेरी रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग ऑन दिस इन दिस कंट्री। कमल हासन सर जो 50 साल से इस इंडस्ट्री में हैं और हम कह रहे थे कि ये हमारा देश की शान है, अ ग्रेट ह्यूमन बींग विथ ग्रेट टैलेंट, और उनको इस कॉर्नर पे लेके गए हैं कि वो तंग हो चुके हैं एंड सेज दैट आई वॉन्ट टू बी सेक्युलर एंड आई नीड अ सेक्युलर प्लेस। शर्म होना चाहिए हम सब लोगों को कि ऐसे एक कलाकार को ऐसे हालत में देख रहे हैं। एंड आई थिंक जो भी है इसके पीछे, बिकॉज द ट्रूथ इज अगर एक आदमी को एक आदमी और कोई भी मार रहा है और हम देखते रह जाएं तो हम भी क्रिमिनल्स हैं। इट्स टाइम दैट हम हमारी कॉन्शियस को देखें, बिकॉज ये सिर्फ कमल हासन साहब सर का प्रॉब्लम नहीं है, हर एक इंडियन का, हर एक सेक्युलर माइंड का प्रॉब्लम है। आज इनको हुआ, इससे पहले एमएफ हुसैन साहब को हुआ, हमें भी हो सकता है। इट्स टाइम नॉट टू बी एंग्री बट टू थिंक दिस इज नॉट फेयर। जो लोग सेक्युलर हैं, जो लोग उनका हक को मानते हैं, जो लोग उनका हक के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, आवाज उठाने के लिए तैयार हैं, वो लोग तो उठा रहे हैं।